सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाले सत्य एवं अहिंसा विभाग के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के लिए गांधी दर्शन की टीम अजमेर के तोपधड़ा सर्किट हाउस से देर रात्रि को सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुई। रवि सैनी ने बताया कि सम्मेलन की मजबूती के लिए विभिन्न शहरों से हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे। गांधी दर्शन के सह संयोजक हेमराज खरोलिया और विजय लक्ष्मी पारिक ने बताया कि सत्य एवं अहिंसा विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। गांधी दर्शन समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जाए। शांति अहिंसा विभाग प्रकोष्ठ अजमेर के जो संभागीय स्तरीय जो प्रतिभागी है वो सब यहाँ आए और यहाँ से अजमेर से हम सवाई माधोपुर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहाँ पे जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी मिलेगी वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सब कटिबद्ध है। अहिंसा विभाग द्वारा आज राजस्थान के माध्यम से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सौजन्य से एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कौमी एकता का आयोजन किया जा रहा है सवाई माधोपुर। उसके लिए अजमेर से समस्त महात्मा गांधी जीवन दर्शन की टीम पूरे संभाग से आज यहां से रवाना हो रही है बस के द्वारा और वहां कल हम शामिल होंगे। यहां हम प्रदेश भर में जन जन में यही संदेश फैला रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना है वो आम लोगों तक पहुँचे, ग्राम धारणियों तक पहुँचे, प्रत्येक उपखंड तक पहुँचे और साथ ही महात्मा गांधी के विचारों का हमने भी ये बीड़ा उठाया है कि ये साथ में ये भी। आज हम गांधी दर्शन कैंप में जा रहे हैं जो कि प्रदेश स्तरीय कैंप हमारा कौमी एकता पे जो बेस्ट है वो सवाई माधोपुर में होने जा रहा है कल 18 अगस्त को। इसके थ्रू हम गांधी जी के जो विचारधाराएं हैं उनको जन जन तक फैला रहे हैं और जो गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उनको इन कैंपों के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस बार हमारा उद्देश्य ये है कि हम रिवाज बदलेंगे और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को हम रिपीट करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है। काफी सारी हमारी बड़ी टीम है, लगभग 50 लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम इसी यही चाहते हैं कि 36 कौम को साथ लेके चले, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।